शिफ्ट प्रेस किए, ये फ्री हैंड टूल पे काम करता है जैसे हमारा रेक्टेंगुलर मार्की टूल काम करता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास सिंगल रो मार्की टूल। ये क्या काम करता है, किसी भी एक लाइन का वर्टिकल सिलेक्शन करता है, हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन करता है। और एक होता है हमारे पास इसके साथ दूसरा सिंगल कॉलम मार्की टूल, ये वर्टिकल वे में किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करता है। लेकिन इस टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बिकॉज मैंने तो अभी तक यूज़ नहीं किया है, क्योंकि जब भी हमें कोई सी भी चीज़ सिलेक्ट करनी होती है तो या तो किसी शेप में करनी है या कोई कस्टमाइज शेप में करनी है या कोई वर्टिकल उसमें रेक्टेंगुलर में या स्क्वायर बॉक्स में किसी भी तरह से करनी है, बट कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो एक लाइन से सिलेक्ट हो जाए, तो वो एक बहुत कम यूज़ होने वाला है। बट हाउएवर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर ये यूज़ होता होगा, इसी वजह से फोटोशॉप ने या अभी तक ये हमारा अब ये टूल जो है हमारे पास ये अभी तक जो है अवेलेबल कराया हुआ है। सो बट इन जनरल इसका कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट मेक श्योर कि ये एक लाइन को ही सिलेक्ट करता है, एक लाइन वे में ही सिलेक्ट कर देता है अपनी किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट टूल है हमारे पास लेसो टूल। लेसो टूल क्या काम करता है, बेसिकली किसी भी तरह का कोई भी आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है आपके हाथ में, जैसे कोई बंदा अगर पेन दे दे और आपसे कहेगा आपको एक कोई सी भी चीज़ को सिलेक्ट कर लिया और आप उस चीज़ को हाथ को सिलेक्ट करते हैं, हाथ से उसको चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, सेम उसी वे में आपके पास लेसो टूल काम करता है। आपके पास एक फ्री हैंड पेन की तरह चीज़ होती है, आप क्लिक कीजिए और उस इस टूल के थ्रू आप किसी जहाँ पर भी लेके जाएंगे वो चीज़ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होती चली जाएगी। जैसे आप किसी से आप पेन से किसी भी नोट पैड पर कोई सी भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं, जब आप उस चीज़ को स्टार्टिंग पॉइंट से लाके कनेक्ट कर देंगे अपने सिलेक्शन को, तो वो ऑटोमेटिकली जितनी भी आपने चीज़ सिलेक्ट करी है वो सारी चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये एक फ्री हैंड टूल काम करता है। नेक्स्ट टूल है हमारे पास पॉलीगोनल लेसो टूल। पॉलीगोनल लेसो टूल काम करता है, बेसिकली कोई भी आप इमेज है उसके सराउंडिंग में जाके आप उसके बॉर्डर्स पे जाके छोटे छोटे एक डॉट्स टाइप के आप क्लिक कीजिए उसकी शेप्स के हिसाब से, तो वो उस चीज़ को सिलेक्ट करता चला जाएगा। आपने देखा होगा कि हमने क्लास में भी ये चीज़ करी थी, जब भी हमारे पास कोई ऐसी शेप आती है जो कि काफ़ी मतलब अप एंड डाउन्स में है, कोई एक शेप में नहीं है ना, तो उसमें रेक्टेंगुलर मार्की टूल से हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं ना हम उसे सर्कल टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि अपने आप में कोई एक शेप में नहीं है, तो हम और अगर हम उसे लेसो टूल से सिलेक्ट करते हैं तो हमारा हाथ जो है वो कहीं पर भी थोड़ा दाएं बाएं होने की वजह से उसकी अच्छी परफेक्शन के साथ उसका जो सिलेक्शन है नहीं हो पाता, तो उस केस में हम पॉलीगोनल लेसो टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या काम करता है, ये किसी भी पॉइंट से पॉइंट को जोड़ते हुए चलता है, किसी भी शेप के उसकी आउटर को या उसकी जो बॉर्डर्स हैं उस पर आप लेके चलिए, क्लिक करते रहिए, जहाँ जहाँ पे जितना छोटा छोटा क्लिक करेंगे उतनी ज़्यादा फाइन क्वालिटी के साथ आएगा, और जितना लंबा करेंगे वो सिलेक्शन तो हो जाएगा बट थोड़ा सा उसकी क्वालिटी में फ़र्क आएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स को बनाते हुए चलें और किसी भी एक शेप को जब वहाँ से लाके सिलेक्ट कर लें तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ दें, तो वो जितनी भी आपने शेप्स की सिलेक्ट करी है वो सारी उसमें सिलेक्ट हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा इजी कर देता है किसी काम को, और थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू वर्क है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ इसमें हमारे पास आउटपुट निकल कर आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मैग्नेटिक लेसो टूल। ये लेसो टूल का अपग्रेडेड वर्जन है। ओके, मैग्नेटिक लेसो टूल क्या काम करता है, बेसिकली जैसे अभी हमारे पास लेसो पॉलीगोनल लेसो टूल में हम लोग मैनुअली जाके उसमें पॉइंट टू पॉइंट क्रिएट कर रहे थे, ये ऑटोमेटिकली किसी भी शेप के बॉर्डर्स को अपने आप जोड़ता हुआ चलता है, ठीक है, मैग्नेटिक तरीके से। आपको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बताना है और अपने माउस को बस उसके बॉर्डर पर मूव करना है बिना क्लिक किए हुए, और ये ऑटोमेटिकली ही अपने आप मैग्नेटिक वे में उसके बॉर्डर से कनेक्ट होता हुआ चलता है और पॉइंट टू पॉइंट बनाता हुआ चलता है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई सी भी सिलेक्शन अगर आपकी ओवर सिलेक्शन हो गई है तो आप बैक स्पेस से अपने सिलेक्शन को हटा सकते हैं और अगेन दोबारा से जाकर उसे सही सिलेक्शन को दोबारा से कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पॉलीगोनल लेसो टूल का अपग्रेडेड वर्जन है, थोड़ा मैग्नेटिक तरीके से काम करता है, सेम तरीका है काम करने का, बट थोड़ा ईजी है, थोड़ा क्विकली और थोड़ा फास्ट आपको काम कर देता है और थोड़ा अच्छी क्वालिटी के साथ आपको आउटपुट निकाल कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास टूल आता है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल बेसिकली क्या काम करता है, क्विक सिलेक्शन टूल जैसे कि अभी हम जो जितने भी हमारे पास प्रीवियस टूल देखे हैं, या तो हमारे पास हम बॉक्स में जाके उन्हें सिलेक्ट कर रहे हैं या सर्कल में जाके सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर
मैग्नेटिक तरीके से कर रहे हैं। एक हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक अच्छी इमेज है और उसके हमें जाके उसे क्विकली सिलेक्ट करना है, जो पुराने टूल्स हैं उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, जो नया टूल है इसमें ये थोड़े टाइम को भी कम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ फोटोशॉप ये चीज़ पर फोकस करता है कि आपकी क्वालिटी के साथ साथ आपके टाइम सेविंग भी रहे। तो ये क्विक सिलेक्शन टूल जो है, ये हमारे पास किसी भी शेप को, किसी भी उसकी शेप कोडिंग आप उस पर जाके क्लिक कीजिए और आपको ये उसकी चीज़ को, शेप को सिलेक्ट करा देता है उसकी, उसको क्विकली और बहुत आसान तरीके से। बस आपके पास एक दो ऑप्शन आते हैं उसमें, आपके स्टेटस बार में या प्रॉपर्टी बार में, जहाँ पर एड ऑन या सब्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन आता है। अगर आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो एड ऑन कर सकते हैं। अगर आपने कोई सा भी सिलेक्शन आपका पूरा नहीं हुआ है तो आप उसमें दोबारा जाके प्लस पर क्लिक करके अपने सिलेक्शन को एड ऑन करके उसमें मल्टीपल मतलब थोड़ा सा और इन्हें उसके सिलेक्शन को इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ईजी सा टूल है, बहुत किसी भी शेप को पिक करता है और क्विकली उसे सिलेक्ट करता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी इमेज पर काम करूं, अगर मैं अपनी इमेज पर क्लिक करता हूं तो ये मेरे ऑटोमेटिकली इन बॉर्डर्स को सिलेक्ट करके क्विकली उसकी बॉर्डर्स के हिसाब से उसको क्विकली सिलेक्ट करके दे देगा। अदरवाइज आपको पॉइंट टू पॉइंट बना के जाके बनाना पड़ता था पहले, लेकिन अब ये क्विक सिलेक्शन टूल से बहुत ईजी हो जाता है और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आता है। नेक्स्ट टूल आता है हमारा मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल अगेन सिलेक्शन टूल है, बहुत मतलब लेटेस्ट से थोड़ा सा फोटोशॉप ने एक नई चीज़ लेकर आया है। इसमें क्या रहता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी इमेज के, उसके कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से सिलेक्ट करता है। अगर आपके पास कोई ऐसा फोटो है जिसमें कि, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे मेरे बैक साइड में एक येलो कलर की वॉल है और मैं इस फोटो को ही आपको देता हूँ, तो इसमें, इस केस में अगर मुझे अपना सिलेक्शन करना है या अपने बैकग्राउंड का सिलेक्शन करना है, तो ये क्या काम करेगा, ये मैजिक वैन टूल किसी बैकग्राउंड को या किसी भी कलर को उसको कलर के हिसाब से या उससे रिलेवेंट कलर के हिसाब से सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, अगर किसी भी फोटो का अगर वाइट बैकग्राउंड है और आप उसको उसमें जाके उसके बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो बेहतर ये है कि आप बाकी टूल का इस्तेमाल ना करने के बजाय बल्कि मैजिक वैन टूल का इस्तेमाल करें और मैजिक वैन टूल को जाके उसके वाइट कलर पे पिक कर दीजिए और वो वाइट कलर जितना भी उस पिक्चर में वाइट कलर होगा वो सबको सिलेक्ट कर लेगा। इसमें एक चीज़ होती है टॉलरेंस। टॉलरेंस होता है कितने भी आप कितना थीम्ड या कितना टाइटली उस नियर अबाउट सिलेक्शन करना चाहते हैं उस कलर के। फॉर एग्जांपल अगर आप वाइट सिलेक्शन करना चाहते हैं तो अगर आपने उसको जो टॉलरेंस है उसको अगर आपने ज़ीरो कर दिया, तो वो जितना सिर्फ जो वाइट रहेगा, जो उसके कलर कॉम्बिनेशंस के, जो उसके जो कोड्स होंगे कलर के, उसके हिसाब से जितना मैक्सिमम रिलेवेंट हो पाएगा उतना ही को ही सिलेक्ट करेगा। और अगर आप उसके टॉलरेंस लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे तो वो उससे और उस कलर को और उससे मिलते जुलते हुए कलर को भी सिलेक्ट करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम रेड को लेते हैं तो रेड में एक ऑरेंज भी आ जाता है और रेड भी आ जाता है। अगर हम उसकी टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो वो रेड के साथ ऑरेंज भी सिलेक्ट करेगा, और अगर हम उसकी टॉलरेंस कम करेंगे तो वो रेड के साथ सिर्फ रेड को ही करेगा, ऑरेंज को नहीं करेगा। तो ये मैजिक वैन टूल है जो कि काम करता है कलर कॉम्बिनेशन के। तो मैं आप लोगों से सजेस्ट करूंगा कि जब भी कोई सी भी चीज़ इमेज पर आप सिलेक्शन करें तो मेक श्योर कि आपको आइडेंटिफाई कर पाएं कि कौन सा टूल है जो हमें क्विकली काम करा सकता है, कौन सी किस जगह पर। अगर आपके पास बैकग्राउंड सेम है या एक कलर की इमेज है तो आप मैजिक वैन टूल का इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास कोई इमेज अच्छी शेप में है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आप क्विक सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा बाकी आपके पास कोई रेक्टेंगुलर में है तो आप उसका रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल में, अगर सर्कल में है तो सर्कल वाले के हिसाब से आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग जो भी सिलेक्शन करना चाहें उसके हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। और जितना अच्छा सिलेक्शन कर पाएंगे उतना ही अच्छा आउटपुट कर पाएंगे। और सिलेक्शन करने के बाद ही हम लोग उसमें जाएंगे, चाहे तो हम उसमें कलर फिल कर सकते हैं या उसका कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं या हम उसको कटआउट निकाल सकते हैं, दो इमेज को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी दो इमेज को मर्ज करना है एक साथ, तो हम पहले उन चीज़ों को, दोनों इमेज को सिलेक्ट करेंगे और फिर अपनी एप फाइल पर जाके उन दोनों को सिलेक्टेड पोर्शन को ही ऑल्ट प्रेस करके वहाँ पर लाके ड्रैग कर देंगे, तो वहाँ पर उसकी एक कॉपी वहाँ पर आ जाएगी। तो आप मल्टीपल इमेजेस को एक साथ कंबाइन भी करा सकते हैं, या फिर अगर किसी के फ़ोटो पे, किसी सेलिब्रिटी के फ़ोटो पे आप अपने फ़ोटो का कटआउट लेना चाहते हैं तो अपने चेहरे को वहाँ पर ले जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो वो अगेन फिर वही सिलेक्शन के लिए है कि आप जितना अच्छा सिलेक्शन कर पाएंगे उतना अच्छा आप अपना आउटपुट या अपना कटआउट ले पाएंगे। ओके,
तो ये हमारा सिलेक्शन था। सिलेक्शन में एक चीज़ और रहती है, जब भी आप कोई चीज़ सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कीजिए और जो चीज़ आप सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी, या फिर आप उसके राइट क्लिक करके इन्वर्ट्स करके उसे छोड़ के बाकी दूसरी चीज़ों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई वाइट कलर का बैकग्राउंड है और मेरे पास और मुझे बाकी सारी चीज़ों को सिलेक्ट करना है, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं जाकर बाकी सारी चीज़ों को सिलेक्ट करूँ, ठीक है, तो उसमें टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास बैकग्राउंड वाइट है तो मैं क्या काम करूंगा, मैं क्विकली मैजिक वैंड टूल से उसका बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा जो कि वाइट वाइट बैकग्राउंड में है, वो फटाफट वाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट कर देगा, और मैं राइट क्लिक करूंगा, इन्वर्ट्स कर दूंगा। इन्वर्ट्स में क्या रहेगा, वो जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है उन्हें छोड़ देगा, उनके अलावा जितनी भी सारी चीज़ें हैं मौजूद हैं आपके प्रोजेक्ट में या आपकी इमेज में, उन सबको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो मैं वो क्या काम करेगा, जब मैं इन्वर्ट्स पे क्लिक करूंगा तो वाइट को छोड़ के बाकी सब चीज़ों को सिलेक्ट कर देगा। तो ये एक बहुत इजी से तरीका है किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने का। तो आप थोड़ी आपके अपने ऊपर स्मार्टनेस है, आप कितने भी किस तरह से भी जाके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन था क्रॉप, जो हमारा सेगमेंट था क्रॉप एंड स्लाइस टूल्स का। क्रॉप एंड स्लाइस टूल बेसिकली बहुत इजी से टूल है। इसमें बेसिकली मैं आपको फटाफट क्रॉप टूल को, जो कि आप फोटो में भी मतलब मोबाइल्स वगैरह में भी यूज़ कर रहे होंगे, जो कि जब भी आप कोई फोटो लेते हैं तो उसमें आप किसी भी चीज़ को क्रॉप करना चाहते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन रखना चाहते हैं या किसी भी चीज़ को हटाना चाहते हैं, तो वो आप क्रॉप एंड स्लाइस टूल्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्रॉप टूल के थ्रू, क्रॉप टूल के मदद से आप उसमें जाके किसी भी पार्ट को क्रॉप कर सकते हैं, हटा सकते हैं, या जो भी आपकी फोटो की इरिलीवेंट चीज़ है और उन्हें छोड़ के बाकी सारी चीज़ को सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो बाकी सब चीज़ हट जाएगी, सिर्फ जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो चीज़ें क्रॉप होकर आपके पास आ जाती हैं। प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल, नेक्स्ट इसी के अंदर में हमारे पास प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल है। प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल क्या काम करता है, बेसिकली अगर कोई सी भी चीज़ अगर आपके पास थोड़ी सी उसका अलाइनमेंट वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट है तो आप उस चीज़ को क्रॉप कर सकते हैं, और उसको जब भी आप उसका आउटपुट लेंगे, तरीका वही है, सेम वही है, जब आप उसको लेंगे तो आपको पूरा प्रोपोर्शनली सही करके प्रोस्पेक्टिव वे में आपको उसका आउटपुट देगा। तो कोई भी अगर इस तरह की कोई आड़ी टेढ़ी इस तरह की कोई आपको चीज़ क्रॉप करनी है, जैसे पहाड़ वगैरह है और आपको उसे थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव वे में करना है, तो आप उसे प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल के थ्रू कर सकते हैं। स्लाइस टूल बेसिकली जैसे नाम से ही पता चलता है, किसी भी चीज़ के हिस्से करने के लिए या पार्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को आपको डिवाइड करना है, क्रिएट उन्हें मल्टीपल सेक्शंस में क्रिएट करना है, तो आप उसमें जाके स्लाइस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पार्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट होती है आप वहाँ से जाके स्लाइस कर सकते हैं उस चीज़ को। तो ये एक बहुत मतलब इजी सा, बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा इसमें है नहीं, क्योंकि हम सभी लोग इसका डेली हम उसका यूज़ करते हैं क्रॉप टूल का। जब भी हमारे पास कोई चीज़ रहती है, हमने कोई फ़ोटो खींचा उसमें, फॉर एग्जांपल अगर आपके बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ आ गई जो आपको नहीं चाहिए, या इस तरह की चीज़ों से आप रिमूव करना चाहते हैं और सिर्फ आप अपने चेहरे को ही या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को फोकस करना चाहते हैं, तो आप उसे क्रॉप टूल के थ्रू से ही ये सारी चीज़ें करके दे सकते हैं। स्लाइस टूल से अगेन वही पार्ट्स वगैरह में डिवाइड कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं, हिस्से बना सकते हैं किसी भी चीज़ के। नेक्स्ट टूल होता है हमारा मेजरमेंट टूल। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब वन ऑफ दी, अगर आप कलर कॉम्बिनेशन में कहीं पे भी क्या काम करें किसी भी इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर आपका एक मतलब एक मेन टूल हो सकता है आपके लिए। इसमें पहला टूल होता है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल क्या काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इमेज आई और इमेज में आपके पास कोई कलर है, अगर आप उसको सेम कलर अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने कलर पैलेट्स में जाके, तो वो आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, कि हो सकता है कि सेम कोडिंग आपके पास नहीं मिल पाए। तो ये हमारे पास फोटोशॉप हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि हम आई ड्रॉपर टूल से उस कलर पे जाके, जिस कलर को भी आपको पिक करना है उस कलर को जाके पिक कीजिए, वो आपके ऑटोमेटिकली आपके फोरग्राउंड कलर में आपको वो कलर सेम कोडिंग के साथ आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये किसी भी कलर को पिक करने के लिए बहुत इजी टूल है, आई ड्रॉपर टूल। नेक्स्ट ऑप्शन है 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल। ये भी अगेन उसी तरह से ही काम करता है, बट 3D मटेरियल्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। कलर सैम्पलर टूल, ऑलमोस्ट ये सारे जितने भी टूल्स हैं इसमें, ये सारी चीज़ें मतलब कलर सैम्पलर हो गया या 3D मटेरियल हो गया, ये इंडस्ट्री के हिसाब से है, ये किसी भी चीज़ के
आपको बता देते हैं कहाँ पर मेन जो चीज़ है आपका, वो आईड्रॉपर टूल है जो कलर पिक करने के लिए, 3D आईड्रॉपर टूल जो है 3D वगैरह मटेरियल वगैरह के लिए यूज़ करने के लिए। अगर आपको वहाँ पर जाकर 3D पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जाकर उसका यूज़ कर सकते हैं। कलर सैम्पलर टूल जो है ये आपको किसी भी, जब भी आप किसी भी कलर पर जाके किसी पर सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर जाकर आपको बता देगा कि इसमें रेड कितना है, ग्रीन कितना है, ब्लू कितना है। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है, आप उसे रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, तो वो आपको एक कलर सैम्पल वगैरह बना के आपको देता है, उसकी प्रॉपर कोडिंग बना के दे देता है। तो अगेन सेम ऑलमोस्ट वही चीज़ है। रूलर, रूलर टूल क्या काम करता है, ये मेजरमेंट करने के लिए, जैसे मेजरमेंट हमारा टूल का सेक्शन है ये, तो इसमें क्या है, ये हमारा स्पेस वगैरह को रूल करने के लिए कि दो, अगर आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, अगर आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि दोनों के बीच में स्पेसिंग कितनी है, कितना कितने पिक्सल्स का इनमें डिस्टेंस है, या अगर आपने कोई एक एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर रहे हैं उस पर, तो आपको चाहिए कि आप कितना कितने बाई कितने का आप फॉर्मेट बना रहे हैं, और उसमें से आपने उस फ्रेम में आपको कितने कितने में आपको इमेज रखनी है, कितने में आपको टेक्स्ट रखना है, कितना जो भी आपको स्पेसिफाई करना है, तो आप वहाँ से जाके रूलर की मदद से उस चीज़ में आइडेंटिफाई कर पा सकते हैं कि कितना कितना गैप है, क्या है, पूरी एक उस इसकी पूरी स्केलिंग कर पाएंगे। तो ये एक स्केलिंग के लिए या डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए रूलर का यूज़ होता है। नेक्स्ट टू टेक्स्ट नोट टूल, ये बेसिकली हमारा ये अगेन वही है, जब भी किसी भी चीज़ के लिए हम कोई भी नोट वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये नोट और काउंटिंग टूल, तो बेसिकली आपके या तो आप किसी भी चीज़ को काउंट करना चाहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ है, कितनी कितनी उसमें क्या 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 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी काउंटिंग्स वगैरह ऐड ऑन करना चाहते हैं कहीं पर भी, अगर कोई किसी भी काउंटिंग में या किसी भी ऑब्जेक्ट्स में कोई आप नोट वगैरह पुटअप करना चाहते हैं तो आप उसमें जाकर नोट वगैरह पुटअप कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी चीज़ के लिए क्यूए कर रहे हैं और आप वहाँ पर जाकर कोई नोट छोड़ना चाहते हैं तो वो नोट आप यहाँ पर जाके मैंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा रीटचिंग एंड पेंटिंग टूल। रीटचिंग और पेंटिंग टूल बेसिकली हमारे पास सिलेक्शन टूल का हमारे पास कवर हो जाता है, हमारे पास मेजरमेंट कवर हो जाता है कि जिसमें हम मेजर वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास रीटचिंग। रीटचिंग बेसिकली अगर आपके पास कोई इमेज आई हुई है, कोई भी फोटो आया हुआ है, कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है और आप उसको रीटचिंग करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप उसको फाइन क्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये रीटचिंग सेक्शन से जाके हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला टूल हमारे पास इसमें स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग क्या करता है, जब भी किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फोटो है, उसमें कोई भी एक ब्लैक कलर का शेड आया हुआ है, अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसको जाके सेलेक्ट कीजिए और वो इस टूल की मदद से, स्पॉट हीलिंग की तरफ से, तो उस स्पॉट को हम गायब करा सकते हैं और जो आपका बैकग्राउंड है उसके साथ उसे मर्ज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये स्पॉट हीलिंग कर सकता है। जैसे आपने कोई आपके पास कोई फोटो है, उसमें कोई फोटो में कोई ब्लैक कलर का या किसी के स्क्रैच वगैरह है या किसी के चोट का निशान है या कोई तिल वगैरह है, आप उसे रिमूव करना चाहते हैं तो आप स्पॉट हीलिंग टूल से उस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल बेसिकली अगेन वही काम करता है, टचिंग वाले ही काम है इसमें। बट इसमें एक चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें, कुछ इमेजेस ऐसे होते हैं जिसमें कि अगर हम उसके बैकग्राउंड से जाके, जो फर्स्ट सेक्शन है हमारा स्पॉट हीलिंग वाला ब्रश टूल वाला, अगर हम उसे जाके करते हैं तो बैकग्राउंड के साथ जब मर्ज करते हैं हम उसे, तो वो थोड़ा सा हमारे इमेज की क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसमें ये हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं। हीलिंग ब्रश टूल क्या काम करता है, सबसे पहले आपको एक सोर्स ऑल्ट प्रेस करके सोर्स डिफाइन करनी होती है, जो कि शायद मैंने आपको ये शायद टूल हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। इससे हम कोई भी एक डेस्टिनेशन या सैंपल, कोई भी एक सोर्स क्या कहते हैं, जहां से हमें पिक करना है हम उस चीज़ को पिक करेंगे और वहां से उस चीज़ को लाके उस जगह पर हम पेस्ट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे जिस चीज़ को हमें रिमूव करता है। तो ये क्या करेगा, जहाँ से हमने कोई सी भी चीज़ को जिस सेक्शन को या जिस पार्ट को हमने कॉपी किया था या जिसको हमने सिलेक्ट किया था ऑल्ट प्रेस करके, वो चीज़ सेम चीज़ को ही वहाँ पे उस चीज़ को बनाना शुरू कर देता है और उस चीज़ को ही क्रिएट कर देगा, तो वो उस चीज़ से हीलिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई चेहरा है, चेहरे में कोई हमारे पास एक वाइट कलर के, जो कि वाइट कलर के पास कोई हमारे पास ब्लैक कलर का काले रंग का कोई तिल है और हमें उस तिल को हटाना है, तो हम उसमें से उसके बराबर में से जो उसकी मिलती जुलती
स्किन है उस पे जाके ऑल्ट प्रेस करेंगे, और उसको लेने के बाद हम हमारे पास एक ब्रश टूल जो है, हम उसको ब्लैक कलर के मॉल पर जाके जब हम उसे पेस्ट करेंगे तो वो ब्लैक कलर को गायब करके जहाँ से हमने वो चीज़ स्किन वाला पार्ट जो है कॉपी किया था वो सेम चीज़ वहाँ पर अप्लाई कर देगा। इस तरह से हम उस चीज़ को, उस स्पॉट को हील कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। पैच टूल, पैच टूल हमारे पास क्या काम करता है, बेसिकली जब भी हमारे पास कोई कहीं पर भी हमें कोई पैच लगाना है, पैच इन द सेंस के जैसे अगेन हमारे पास फेस की फ़ोटो का ही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हमने पिछले दो में भी यही एग्जांपल लिया है। तो हमारे पास कोई काले रंग का तिल है, अगर हमें हम उस तिल को सिलेक्ट करते हैं उस पैच के इस पैच टूल के थ्रू, और उसको सिलेक्ट करने के बाद हम उसे मूव करके उस बराबर वाली जगह पर जहाँ पर लेकर जाते हैं, तो वो क्या करेगा कि जो आपने जहाँ पर आप लेकर जा रहे हैं तो वो सेम चीज़ वहाँ पर आपके सिलेक्टेड एरिया में उस चीज़ को चेंज कर देगा। तो एक एट द सेम टाइम आपको पता भी लग पाएगा कि आपका आउटपुट कैसा आ रहा है, तो ये एक तरह से आपको पैच लगा देगा किसी भी तरह का, कोई कहीं और से कोई चीज़ उठा के वहाँ पर पैच कर देगा। तो ये हमारे पास पैच टूल इस तरह से काम करते हैं। कॉन्टेंट अवेयर मूव टूल बेसिकली ये क्या काम करता है, ये भी किसी भी, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इमेज में कोई चीज़ कोई एक चीज़ है और आप उस चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं बिना उसकी बैकग्राउंड की उसकी बैकग्राउंड की क्वालिटी को खोए हुए, तो उसमें हमें कॉन्टेंट अवेयर मूव टूल जो है सबसे ज़्यादा काम देता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, जब भी अगर आपके पास कोई भी इमेज है और उस इमेज में आपके पास कोई, फॉर एग्जांपल आप पहाड़ पर हैं या कहीं पर भी हैं, आप उसमें से किसी भी चीज़ को, या आपने कोई फ़ोटो लिया हुआ है उसमें से आपके बैकग्राउंड में कोई चीज़ आई है, आप उस चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं, या आपके सामने कोई चीज़ आ गई है आप उसे रिमूव करना चाहते हैं, तो कंटेंट अवेयर टूल मूव टूल को सिलेक्ट कीजिए और जिस ऑब्जेक्ट को आप हटाना चाहते हैं उसको बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ उस चीज़ को सिलेक्ट कीजिए और आप अपने एंटर प्रेस कीजिए। और जब भी आप ऐसा करेंगे तो इसके बाद जो है वो चीज़ हट जाएगी और उसके पीछे जो भी चीज़ होगी वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगी। तो ये क्या काम करेगा, ये कंटेंट अवेयर मूव टूल क्या काम करता है, ये आपके बैकग्राउंड को रीड करके आपके फ्रंट की चीज़ को हटा देता है और जो बैकग्राउंड में चीज़ होती है वो उसी को शेप के हिसाब से बना के आपको दिखा देगा। तो बिना बैकग्राउंड की क्वालिटी को खोए हुए आप इसमें कोई सी भी चीज़ को रिमूव कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा रेड आई टूल क्या काम करता है, बेसिकली जब भी आप कोई फ़ोटो खींचते हैं तो उस पर आपने देखा होगा कि रेड कलर का कई बार रेड कलर हाईलाइट हो जाता है, तो ये रेड आई टूल जो है उस चीज़ को चेंज कर सकता है आपकी नेचुरल आइज में। तो आप सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, रेड आई टूल सेलेक्ट करना है और आइज पे थोड़ा सा उसे जूम करके आइज को उस पे जाके क्लिक करेंगे तो ये आपके कलर को चेंज कर देगा। ओके, तो थोड़ा सा क्विकली फास्ट अप करते हैं। नेक्स्ट है ब्रश टूल अगेन वही, जो जैसा कि आपको शायद मैंने क्लास में ब्रश टूल भी क्लियर कराया था। तो ब्रश टूल में क्या है, आपके पास जब भी आपके पास कोई बैकग्राउंड है, आप उस चीज़ में कोई सी भी चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं कोई सी भी चीज़ के लिए, या आपके पास कहीं पर भी कोई कलर फिल वगैरह करना चाहते हैं, तो ये कलर फिल करने के लिए